गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नयन आईएएस पे। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की संख्या कि त्रिभुज जो पेपर में आते हैं दिए रहते हैं और उस त्रिभुज में कितने त्रिभुज होते हैं हमें काउंट करके बताना रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे साथियों। आप ऐसा कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें रीजनिंग आती है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा, आपको एक आकृति त्रिभुज की बनी रहेगी और उसमें ढेर सारे त्रिभुज रहेंगे और आपसे प्रश्न किया जाएगा कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और देखते हैं कि आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। आइए मेरे दोस्तों, बिना देरी किए हुए सीधा चलते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन पे। देखिए, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझेंगे क्योंकि ये त्रिभुज जो होता है ये पेपर में कई बार आपसे पूछा गया है लेकिन बहुत बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे साथियों? बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपको थोड़ी भी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी है, बस इसको ध्यान से देखिए। ये मिड पॉइंट है इसका, ये मिल रहा है इस बिंदु पर। आपको बस इसमें ये बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुज कितने होंगे, टोटल ट्रायंगल इसमें कितने होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये कोई अलग त्रिभुज मत मानिएगा, ये मिड पॉइंट है सबका, वो मिल नहीं पाया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, तो ये मिड पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं, तुरंत गिनेंगे एक दो। पहले तो ये दिमाग लगाएंगे कि दो त्रिभुज आपस में मिला हुआ है तो एक दो तीन चार पांच छह, छह तो ये हो गया, एक ये हो गया सात और एक ये हो गया आठ, क्योंकि एक ट्रिक हमने आपको बता रखी है। फिर यहाँ गिनेंगे आठ हो गया नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह, चौदह गिन देंगे और फिर एक त्रिभुज यहां से गिनेंगे पंद्रह, एक यहां से गिनेंगे सोलह और ठीक उसी प्रकार एक यहां से गिनेंगे सत्रह और उसी प्रकार एक यहां से गिनेंगे अठारह और अपना उत्तर क्या बता देंगे, अठारह बताएंगे। कितना बताएंगे मेरे दोस्तों, अठारह बताएंगे। अब आपको बताना है क्या ये अठारह उत्तर सही है, तो एकदम नहीं, ये अठारह उत्तर क्या है, गलत है और ऑप्शन में आपको अठारह मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार के त्रिभुज पर, इस प्रकार के त्रिभुज का उत्तर कभी भी अठारह नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस त्रिभुज में पहली बात तो दो त्रिभुज शामिल है। कितने त्रिभुज शामिल है मेरे दोस्तों, दो त्रिभुज शामिल है। कितने त्रिभुज शामिल है, दो त्रिभुज शामिल है। देखिए ये जो त्रिभुज है ये इस प्रकार का त्रिभुज होता है, इसको ध्यान से आपको समझना है। ये एक त्रिभुज ये है और उल्टा करके इस त्रिभुज को इसमें रख दिया गया है। क्या करके, उल्टा करके इस त्रिभुज को इसमें रखा गया है। जब आप इसको इस प्रकार रखेंगे तो आप देखेंगे कि एक त्रिभुज आपको ये मिलेगा और फिर आप देख रहे हैं एक ये और एक ये आपको मिला है, ठीक उसी प्रकार एक ये मिल गया। अब आप जब इसे उल्टा करेंगे तो आप उल्टा करके भी देख सकते हैं कि आपको यहां से ऐसी आकृति मिल जाएगी। तो इस प्रकार का त्रिभुज ही ये दो त्रिभुज है जो इसमें सेट करके रखा गया है। आपको इसे समझना पड़ेगा और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझा दे रहा हूं। हमने इस प्रकार के त्रिभुज को काउंट करना आपको बताया था। कैसे बताया था, हमने कहा था कि देखो वन टू और थ्री, उसी प्रकार वन टू और थ्री और फिर वन टू और थ्री, मतलब जब इसकी प्रत्येक भुजा पर त्रिभुजों की संख्या समान होती है तो हमने बताया था कि जितना त्रिभुज बनता है उसे ले लेते हैं और इसको ऐसे ही लिख देते हैं और फिर इसको जोड़कर यहां लिख देते हैं और इसको जोड़कर यहां लिख देते हैं और इन सबको जोड़ देते हैं, आ जाएगा कितना, दस आ जाएगा। फिर हमने कहा था इसको छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं और इसको लेना है, इसको भी क्या करना है, छोड़ देना है। और आइए दस में लेना किसको है, तीन को लेना है, इसको छोड़ देना है, तीन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, तेरह आ जाएगा। जब इस त्रिभुज में तेरह आ रहा है तो इस त्रिभुज में भी कितना आएगा, तेरह आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, तेरह आएगा। कितना आएगा, तेरह आएगा। अब आपको एक बात का खास ख्याल रखना है, ये जो त्रिभुज है एक दो तीन चार पांच और छह, देखिए इस पर मैं नंबरिंग कर देता हूं, एक दो तीन चार पांच और छह, ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है।
तो याद रखिएगा, कभी हम लोग कॉमन को काउंट नहीं करते हैं, तो हम लोग जब इसको काउंटिंग किए तो हम दो बार हमारे ये त्रिभुज काउंट हुए हैं, तो हमें 13 में से 13 को जोड़ना है प्लस हमें 6 माइनस कर देना है। अब आप पूछेंगे सर 6 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस त्रिभुज की काउंटिंग इसके और इसके में दो दो बार हुई है, हमें दो बार काउंट नहीं करना, हमें काउंट कितनी बार करना है, एक बार। तो 13 और 13 होता है 26, 6 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा कितना 20, और ये 20 आपका एकदम सही उत्तर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे और देखेंगे कि हमारा अगला प्रश्न आज का क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट करिए, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि आपके और दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलते हैं हम लोग आज के अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कुछ अगले टाइम। देखिए एक तो हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। देखिए ये हमारे पास तीन शेप दिए गए हैं, इसको आप वर्ग भी कह सकते हैं, इसे आप आयत भी कह सकते हैं। जब आयत के अंदर हमसे त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता। जब भी इस प्रकार से आयत में हमें त्रिभुज की संख्या पूछे, किसकी संख्या पूछे, टोटल त्रिभुज, किसकी संख्या पूछे मेरे दोस्तों, टोटल ट्रायंगल की संख्या पूछे, तो आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बस इसकी नंबर लिख दी 1, 2, 3 और 4। 4 लिखिए, कितना त्रिभुज हुआ, 4, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से, आपका उत्तर आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 8 आपका उत्तर हो जाएगा। यहां पर बात करें तो नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 में, उत्तर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 12 आ जाएगा, 12 उत्तर आएगा। बहुत आसान है, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस ट्रिक है, समझते चलना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, क्या करना है, 8 × 2 करना है, तो 8 × 2 = 16, और आपका उत्तर कितना आ गया मेरे दोस्तों, 16। इस ट्रिक को आपको नोट कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि जब आगे हम प्रश्न पर आएंगे तो आपको ये सारी ट्रिक्स काम देंगी, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, नोट करना है, ध्यान से नोट करना है, इसे नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा अगला प्रश्न भी, ध्यान से आपको इसको देखना है। देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है, डायग्राम एकदम सही बनाना है, डायग्राम कहीं से भी गलत आपका नहीं होना चाहिए, डायग्राम एकदम हमेशा सही बनना चाहिए, डायग्राम कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि डायग्राम गलत बनाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। डायग्राम को एकदम सही बनाना है, देखिए जब मैं भी डायग्राम बनाता हूं तो एकदम सही डायग्राम बनाता हूं ताकि कहीं से भी कोई भी दिक्कत आपको ना हो। अब ये देखिए, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल इसको कह सकते हैं या तो स्क्वायर कह सकते हैं, आपको बताना है इसमें त्रिभुज की कुल संख्या क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको यह प्रश्न दिया है, और आपको बस कुछ भी नहीं करना, आपको बस बता देना है कि इसमें त्रिभुज की संख्या क्या होगी। तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप ट्रिक हमारी जानते हैं, इसके पिछले वाला प्रश्न यदि आपने पढ़ा है, देखिए मैंने आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बताया था। जब इस प्रकार का कोई वर्ग हो या आयत हो और उसमें त्रिभुज दिए गए हो तो त्रिभुज कितना है अंदर उसे काउंट करते हैं और उसके बाद टोटल त्रिभुज से 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है क्या, 16। यहाँ पर तो उत्तर 16 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उत्तर कितना आएगा हमें नहीं पता है, तो जब नहीं पता है तो हम लोग लगाते हैं अपने प्रश्न को। पहले छोटे वाले में देखते हैं 1 2
तीन चार पांच छह सात और आठ, कितना हो गया मेरे दोस्तों आठ। तो यहाँ आठ में दो का मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना 16। अब बड़ी वाली में देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, तो यहाँ कितना आ रहा है आठ। जब हम आठ में दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 और 16 को मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32, जो कि हमारा क्या होगा एकदम सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए 32। आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का उत्तर क्या था, इस प्रश्न का उत्तर था 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार 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 ऐसे ही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको इन सारे प्रश्नों को ध्यान से समझना है। आइए देखिए अगला जो हमारा प्रश्न होगा, ध्यान से समझना है, इसे भी थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए ये हमारा प्रश्न है और आपको बताना है कि इस आकृति में, इस आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या क्या बताना है मेरे दोस्तों, इस आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या आपको बतानी है। अब आप देखिए इस आकृति को समझिए और बताइए कि इस आकृति में त्रिभुज की कुल संख्या क्या होगी। अब देखते हैं त्रिभुज की कुल संख्या क्या होगी, एक बार आप सोचिए। यदि आपको उत्तर आ रहा है तो आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस जाना है कमेंट बॉक्स में और आपका जो भी उत्तर आ रहा है आपको हमें टाइप करके बता देना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में देखते हैं तो यहां पर आ जाएगा तीन, इसमें बात करते हैं तो एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, तो यहां से आ गया आठ और हमने बताया था इसमें दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। मतलब एक संख्या है तीन और एक संख्या है 16। यदि हम इसकी बात करें, इसको मैं नाम दे दूं ए बी और इस पॉइंट को नाम दे दूं सी और इसको नाम दे दूं डी, तो देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज आपका बन रहा है ए बी सी से और एक त्रिभुज आपका बन रहा है ए डी सी से। तो देखिए दो त्रिभुज आपको और मिल गए, तो टोटल त्रिभुज आपके पास हुए 16 प्लस 16 यहां से, तीन यहां से प्लस एक प्लस एक, मतलब एक यहां से और एक यहां से, तो टोटल आपके पास कितने हो गए 16 और तीन हुए 19 और 19 और दो हो गए आपको कितना मिला के 21। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 21 होगा। इस प्रश्न में कुल आकृति में त्रिभुज की संख्या, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्तों 21 होगी। चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं आगे का प्रश्न कुछ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं हम लोग आगे के कुछ प्रश्नों को, ध्यान से आप लोगों को समझना है और आपको अपना उत्तर हमें दे देना है। देखिए ये हमारे पास एक आकृति है तो आपको बताना है इस आकृति में त्रिभुज की संख्या, इस आकृति में आपको क्या बताना है मेरे दोस्तों त्रिभुज की संख्या, इस आकृति में कितना त्रिभुज है बस आपको इसे हमें बता देना है। तो देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, तो यहाँ आठ गुणे दो बराबर 16 हो जाएगा, यहाँ पर भी एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, आठ गुणे दो बराबर कितना हो जाएगा 16। मतलब आपको ये तो पता चल गया कि आठ और आठ मिलाकर कितना होता है 16 होता है, कितना होता है मेरे दोस्तों 16 होता है।
अब आपको यहाँ ये पता चला कि 16 प्लस 16, लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें कुछ कॉमन पॉइंट है। देखिए एक कॉमन पॉइंट ये है और एक कॉमन पॉइंट ये है, तो आपको यहाँ कॉमन पॉइंट को जोड़ना होगा। तो जितने कॉमन पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं उन सारे कॉमन पॉइंट को आपको यहाँ क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हमें इस आकृति में कितना कॉमन पॉइंट मिला है, तो आप कहेंगे सर दो कॉमन पॉइंट मिला है। कितना कॉमन पॉइंट मिला है मेरे दोस्तों, दो कॉमन पॉइंट है। तो 16 और 16 मिलाकर हो गया 32, और 32 में जो दो जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 34, जो कि हमारा एकदम सही उत्तर होगा। चलते हैं अब आगे, देखते हैं कि आगे हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, और आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि और आपके पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इस सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करना है और अच्छे से इन्हें समझते चलना है। और यदि आपको हमारी ट्रिक्स और हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा देना है। चलिए साथियों हम लोग चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न क्या होने वाला है। देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है, बताना है कि इस आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना, मैंने आपको ट्रिक बताई है, 1, 2, 3 और 4, मतलब 4 2 जा हो गया 8 और फिर से 4 2 जा हो गया कितना 8। अब ध्यान से समझिए, तो 8 यहां लिया प्लस 8 यहां लिया प्लस 8 यहां लिया। अभी देखिए हमने पिछले प्रश्न में बताया था कॉमन पॉइंट, हमने क्या बताया था कॉमन पॉइंट, दो कॉमन पॉइंट यहां से मिला, दो कॉमन पॉइंट यहां से मिला, मतलब टोटल 4 क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो 8 8 16 और 8 24, और 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 28 आ जाएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, इसको ध्यान से देखना है और इसको समझना है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इसको करिएगा, ध्यान से आपको क्या करना है, पहले इस प्रश्न को समझना है। और यदि आपको इसका उत्तर आ रहा है तो अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना है। अब देखिए यहां बताना है टोटल ट्राइंगल आपके कितने होंगे, आपको इसका जवाब हमें क्या करना है, देना है। जल्दी करिए मेरे दोस्तों, और आपको इसका उत्तर हमें देना है। चलिए आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए 1 2 3 4, यहां से 8 मिल गया, यहां से भी 8 मिल गया, यहां से भी 8 मिल गया और यहां से भी 8 मिल गया, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर जगह से 8 8 हमें कॉमन मिल रहा है, मतलब 8 यहां का हो गया और 8 आपका यहां का हो गया। अब हमें खोजना है कॉमन पॉइंट। अब देखिए एक कॉमन पॉइंट ये हुआ, दो कॉमन पॉइंट ये हुआ, मतलब दो कॉमन पॉइंट हमें यहां से मिल गए। अब फिर ये देखिए एक और दो कॉमन पॉइंट यहां से मिल गए, तो दो कॉमन पॉइंट यहां से मिले, दो कॉमन पॉइंट मिले यहां से, तो 2 प्लस 2। उसी प्रकार दो कॉमन पॉइंट हमें यहां से मिलेंगे प्लस 2, और फिर दो कॉमन पॉइंट हमें यहां और यहां से मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, यदि हम इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं, तो एक ट्राइंगल हमारा ये ए बी सी बनेगा, उसी प्रकार एक ट्राइंगल बी सी और डी बनेगा, ठीक उसी प्रकार सी डी और ए बनेगा, और उसी प्रकार डी ए और बी बनेगा, मतलब 4 ट्राइंगल हमें एक यहां से, एक यहां से,
एक यहां से और एक यहां से, आप देखिए ये वाला ट्रायंगल ये वाला, उसी प्रकार यहां से भी आपको मिल जाएगा, ठीक उसी प्रकार यहां से मिलेगा और ठीक उसी प्रकार यहां से मिलेगा, मतलब चार ट्रायंगल आपको और मिल रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस फोर हो जाएगा। आप जोड़िए 8, 8, 16, 38, 24, 8, 4, 32, 32 और फिर से ये 8 मिलके हो जाएगा 40, और 40 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा मेरे दोस्तों 44 आएगा, उत्तर कितना आएगा मेरे दोस्तों 44 आएगा, 44 आएगा। आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। आपको आपके एग्जाम में किसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको करना कुछ नहीं होगा, आपको बस हमारे ट्रिक को याद रखनी है। आइए देखिए, अब आपको यहां बताना है टोटल ट्राइंगल कितना होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, यह भी बहुत आसान प्रश्न है अब, लेकिन इसका उत्तर आप लोग हमें देंगे। क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका उत्तर आप हमें देंगे, इसका उत्तर कौन हमें देगा, आप देंगे। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो इसमें भी वही है 1, 2, 3 और 4, मतलब यहां से कितना मिला 8, तो यहां से कितना मिला 8, यहां से कितना मिला 8, तो जोड़िए 8 + 8 + 8। अब ध्यान दीजिए ये दो कॉमन पॉइंट हमें यहां से मिल गए, तो दो कॉमन पॉइंट ये ले लीजिए, एक कॉमन और ये कॉमन, दो कॉमन पॉइंट हमें और मिल गए, तो दो कॉमन पॉइंट हम और ले लिए। हमें इसमें कॉमन पॉइंट का ख्याल रखना है, कॉमन पॉइंट कहीं मिस नहीं होना चाहिए, कॉमन पॉइंट कहीं दो बार आ रहा है हम उसे दो बार काउंट करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम उसे एक बार काउंट करेंगे। अब देखिए ये कॉमन पॉइंट काउंट हो गया, इनका इनका और इनका ट्रायंगल काउंट हो गया, आप क्या देखिए कहीं कोई और ट्रायंगल बन रहा है, तो आप कहेंगे यस सर एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें। देखिए ये एक ये ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, मतलब ए बी सी मान लीजिए या सी बी ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो एक ट्रायंगल आपका और बन रहा है। तो आप जोड़िए 8 + 8 + 8 = 16, 8 + 3 = 24, 24 + 4 होता है 28, और 28 और एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा, और यही 29 आपका सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने एक और प्रश्न पे और उसको भी देखते हैं वो प्रश्न क्या होने वाला है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखिए ये हमारा प्रश्न है, ध्यान से इसे समझिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए कि इसमें आपके ट्रायंगल कितने आएंगे। आपसे बस वही पूछा गया है कि टोटल ट्रायंगल इसमें कितना होगा, आपको देखना है और बताना है। जल्दी करिए और इसका उत्तर हमें जल्दी से बता दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहां से 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब 8 यहां से 8 यहां से 8 यहां से और 8 यहां से, मतलब 8 + 8 + 8 + 8, 1, 2, 3, 4, 4 हमें 8 मिल गया। अब हमें ढूंढना है कॉमन पॉइंट, क्या ढूंढना है देखिए 1, 2, 3, 4, फिर ये 5 और 6, तो 6 क्या हो गया कॉमन पॉइंट, यहां लिख भी सकते हैं 6 = कॉमन। अब उसके बाद हम इसकी नंबरिंग करेंगे ए बी सी डी, और इसी कर लेते हैं ई, और इसकी कर लेते हैं। अब देखिए आप यहां देखिए एक ट्रायंगल आपको ये मिल रहा है बड़ा वाला, तो पहले आप एक जोड़ लीजिए, फिर आप कहेंगे कि सर एक ट्रायंगल मुझे यहां से और मिल रहा है,
और आप आराम से देख सकते हैं कि आपको ये ट्राइंगल नजर आ रहा है। जब हम यहां से आएंगे और यहां पर जाएंगे, फिर उसी प्रकार यहां से आएंगे, तो दो ट्राइंगल हमें आपको और मिल जाएंगे। वो दो ट्राइंगल होंगे तो यहां पर कितना जुड़ जाएगा, दो जुड़ जाएगा। और आप टोटल करिए इसका, तो आठ 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 इसको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, आठ चौक बत्तीस, मतलब बत्तीस यहां से आ गया, 32 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 38 आ जाएगा। 38 में 1 जोड़ेंगे आपका आएगा 39, 39 में आप 2 जोड़ देंगे आ जाएगा आपका 41। और मैं आपका उत्तर यहां लिख देता हूं, ये हो गया आपका 41। तो धन्यवाद साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।